नौ होर किसानों नूं तिहाड़ जेल तो जमानत ते रिहाई मिली है। दिल्ली कमेटी प्रधान मनजिंदर सिरसा ते वकीलां दे पैनल ने इन्हां किसानां दा निघा स्वागत किया। किसानों नूं केसां दी मुकम्मल पैरवी करन दा मनजिंदर सिरसा ने भरोसा दिता है। किसानों की दस्तार ते केसां दी बेअदबी नहीं बर्दाश्त करांगे, इस गल दा भी जिक्र सिरसा साहब ने किया। बेअदबी करन वाले पुलिस मुलाजमां ते करवावांगे कार्रवाई, यह भी उन्होंने सुनिश्चित की गल कि लगातार दिल्ली कमेटी यतनशील है ते जो किसान लगातार दिल्ली की जेलों में बंद ने उन्होंने दिल्ली कमेटी के यतन सदका रिहा कराया जा रहा है ते नौ होर किसानों तिहाड़ जेल तो जमानत से रिहा करवाया गया है। दिल्ली कमेटी प्रधान मनजिंदर सिरसा ते वकीलों के पैनल ने इन्हां किसानों का निघा स्वागत किया। किसानों केसा की मुकम्मल पैरवी करन दा भरोसा भी दिता है। उन्होंने कहा कि किसानों की दस्तार से केसा की बेअदबी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस देश के वास्ते असीं लड़न मरन वाले लोग हाँ, जिस देश के माण वधाउण साडा योगदान आ, सानूं इस गल का बड़ा दुख आ जदों साडे भरा के सानूं दसदे ने कि साडी दस्तार दे उत्ते वार कीता, सानूं बेइज्जत कीता, सानूं इस गल का बड़ा दुख आ। सानूं तकलीफ इस गल दी आ कि असीं अपनी पंजाब दे साडे वीर दिल्ली च आए होण और उन्होंने ऐसी बदसलूकी होवे और सानूं अपने कन्नी उह सुणनी पवे, यकीन मन्नो ऐ लगदा कि कन्नां च तजाब क्यों नहीं पै जांदा उस दिल्ली ते जिस दिल्ली के पिछे असी मरण वास्ते, जिस देश के दे पिछे असी मरण वास्ते हाँ, उस देश के दे अंदर साढ़े ही धर्म के उत्ते, साढ़े ही नौजवानों के उत्ते इस तरह तशद्दुद ढाई जाए और यह कहा जाए अत्तवादी जे खालिस्तानी जे दस्तारा तो वाला तो पढ़ के ये बर्दाश्त तो परा है। सानू इस गल की बड़ी तकलीफ और दुख है, पर मैं अपने वीरों तुहानू एक गल याद करना चाहना है कि तुसी एक गल देख लियो जी, जिन्हां दा तुसी नाम दस्सिया है ना, जिन्हां दा असी अगे भी काम करके दिखाया सी, असी दिल्ली पुलिस दे डिसमिस करा के दिखाए सी नौकरियां तो, असी ये लड़ाई नूं खत्म नहीं होण देंगे। हाँ तुसी अज फारग हो गए जी, तुहाडी लड़ाई दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी चाहे 10 साल चले, 10 साल लड़ूगी। जिन्हें वकील सबक सिखावांगे, जिन्होंने तुहाडे ते हथ पाया है ना, वो अपनियां नस्लां नूं दसणगे कि जिंदगी च कदी सिख की दस्तार नूं और इहदे केसां नूं हथ ना पायो। तुहानूं मैं वादा करदा हां।